सो हेलो और सब गाइस, तो कैसे आप लोग। तो फाइनली आ चुका है इंडिया बाय ड्राइविंग 3D में नए वाला अपडेट। तो जैसा कि यहाँ में आप देख सकते हो, यहाँ में अपडेट शो कर रहा है। तो यहाँ में मैं अभी मारने जा रहा हूँ अपडेट। तो यहाँ में मैंने अपडेट में क्लिक कर दिया और यहाँ में ये जो अपडेट दिखा रहा है ये पूरा 27.76 MB का है। तो अगर आपने भी अभी तक अपडेट नहीं मारा हो तो आप भी जल्दी मार लेना। लेकिन रुको, आपको बीच में वीडियो छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सारे नए चीट को जो हमें न्यू अपडेट में मिलने वाले हैं। तो एक बार ये वीडियो आप लास्ट तक देख लो, जिससे कि आपको सारे के सारे चीट कोड पता चल जाए, फिर आप ये गेम आराम से एंजॉय कर पाओगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। A few moments later. Okay, तो अब गेम हो चुका है, अपडेट अप करते हैं गेम प्ले स्टार्ट। तो यहाँ में आप देख सकते हो ये घर अंदर से देखने में कितना ज्यादा शानदार दिख रहा है। तो चलो अभी यहाँ में बाहर जाके देखते हैं बाहर से देखने में कैसा दिखता है। तो यहाँ में बाहर में सबसे पहले हमें यहाँ में स्विमिंग पूल देखने मिल रहा है, और यहाँ में आप देख सकते हो ये जो घर दिख रहा है बाहर से भी देखने में कितना ज्यादा शानदार दिख रहा है। काश ऐसा घर मेरे पास सच होता, लेकिन कोई बात नहीं, गेम में तो गेम में से इससे काम चला लेता हूँ। तो चलो अब जल्दी से जाता हूँ दौड़ दौड़ के बाहर और आपको बताता हूँ सारे के सारे चीट कोड्स। तो कितना स्लो दौड़ रहा है ये, थोड़ा इसका फास्ट वाला भी अपडेट आ जाता थोड़ा अच्छा रहता। तो चलो यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ, ये जगह ठीक लग रही है। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कोड। तो मैं सोच रहा हूँ कोड सा कोड फर्स्ट आपको बताता हूँ। ओके, तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको फॉर्च्यूनर का कोड, क्योंकि इसके लिए बहुत लोग बहुत टाइम से कमेंट कर रहे थे। तो आज उनकी आत्मा को भी मिलने वाली है शांति। जोकिंग। तो यहाँ मैं आपको जो कोड बताने जा रहा हूँ वो है 1000। तो यहाँ में आप देख सकते हो, यहाँ में 1000 प्रेस करते हैं, यहाँ में आ चुका है ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर कार। तो यहाँ में आप देख सकते हो जो फॉर्च्यूनर कार है ये जो देखने में कितनी ज़्यादा शानदार दिख रही है। तो चलो अब इसका भी थोड़ा कलर चेंज करके देखते हैं। सेकंड अपडेट कलर चेंज का भी आया था, तो उसको भी थोड़ा यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ में हमें करना है, अरे यहाँ में सॉरी, गलती से मैं यहाँ में अंदर में बैठ गया, मुझे यहाँ में कलर चेंज करना था। तो उसमें गैलरी में जाना था, गलती से मैंने कार वाला प्रेस कर दिया, मतलब यहाँ में जो कार का आइकॉन सामने दिखाई गया, तो यहाँ में हमें वो ऑप्शन मिलने वाला था। तो यहाँ में मैं आ चुका हूँ गैलरी में, और यहाँ में अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ में येलो कलर तो कुछ ज़्यादा शानदार दिख रहा था, ये सब उतना खास नहीं है। और यहाँ में मिक्स वाला ऑप्शन है, तो यहाँ मैं वापस नहीं, ये मिक्स कैसे कर रहा था, ओके सिर्फ यहाँ मैं मिक्स में हमें बार बार प्रेस कर रहा था, तो मिक्स वाला उतना खास नहीं लग रहा। ये क्या भेलपुरी है, इसे जो तो अपना नॉर्मल ब्लैक कलर ही अच्छा लग रहा था, ये तो एकदम बकवास लग रहा है। तो चलो वापस इसे ब्लैक कलर ही कर देता हूँ मैं। तो ब्लैक कलर, ओके थोड़ा सामने जाके करना है, यहाँ से नहीं हो रहा। ओके, तो यहाँ मैं सामने आ चुका हूँ और यहाँ मैं हो चुका ब्लैक कलर, जो देखने में अच्छा लग रहा है। तो चलो आपको जो नेक्स्ट कोड बताने जा रहा हूँ वो है रोल्स रॉयल का। तो चलो उसके लिए थोड़ा कोने में जाते हैं, कोने में मतलब थोड़ा साइड में निकल लेते हैं। तो यहाँ ये जगह ठीक लग रही है, तो जिसका जो कोड है वो है 2000। तो यहाँ मैंने डायल कर दिया और यहाँ मैं आ चुकी है, आप इधर जल्दी। ओके, तो यहाँ मैं आ चुकी है हमारा रोल्स रॉयल का, जो उतना भी खास नहीं लग रही है, सच तो फॉर्चुनर ही लग रहा था। चलो शायद सामने से देख लेते हैं, सामने से थोड़ा अच्छा लगेगा। ए जूम वाला कैमरा, ओके तो यहाँ मैं जूम वाला कैमरा लगा दिया है, लेकिन यहाँ से भी वैसा ही लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, वैसे उतने पैसे तो है नहीं मेरे पास जो अच्छा लगे, तो जैसा भी है अपना ही है। तो चलो ये हो गया अपना रोल्स रॉयल कार। चलो अब ये शैडो किसका है, ये मेरे शैडो है क्या, ओके अच्छा बात है। तो चलो अब बारी है ट्रॉन बाइक की। तो ये जगह ठीक लग रही है, पहले नॉर्मल मोड में आ जाता हूँ। तो यहाँ मैं नॉर्मल मोड में आ चुका हूँ, ट्रॉन बाइक का कोड है 6000 डायल कर दिया है मैंने, और यहाँ मैं आ चुके ट्रॉन बाइक जो ब्लू कलर में है, इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, जो मैं करने जा रहा हूँ। तो चलो अब जल्दी से इसका कलर चेंज करके देख लेते हैं कौन सा कलर बेस्ट रहेगा। ब्लैक तो बकवास लग रहा है, ये नहीं मिक्स में ही अच्छा लगेगा, कोई ग्रीन में कुछ मिक्स करके देखता हूँ मैं। तो ओके ये कलर, ओके ये कलर ठीक लग रहा है, एकदम परफेक्ट कलर लग रहा है। चलो अब जाते हैं हम एयरपोर्ट में, आपको एयरपोर्ट भी दिखाई देता हूँ मैं, एयरपोर्ट किधर है और कैसा है। चलो मैं भी देख लेता हूँ, मैंने भी देखा नहीं है वैसे भी। और यहाँ मैं फेंस किसने लगा दिए रे, ओके यहाँ मैं, अरे फेंस देखने के चक्कर में यहाँ में हो चुका है एक्सीडेंट, और मेरे मुँह से निकल चुका है विमल पान मसाला। अरे क्या हो गया रे, मेरा 15 रुपये का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। चलो अब वापस जाता हूँ मैं बाइक में बैठ के, और आपको दिखाता हूँ एयरपोर्ट। चल रहे जल्दी उठ भी जा बाइक। ओके, तो वहाँ में आप देख सकते हो, यहाँ में फ्रेंड सब के अंदर में हमें एरोप्लेन दिख रहा है, इसका मतलब हमें फ्रेंड सब का पीछा करते जाना है, जिससे कि हम पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट में। तो चलो रे जल्दी जल्दी। ओके, तो यहाँ से अभी हम मुड़ना है राइट, तो राइट में जल्दी से। ओके, तो वहाँ में एंट्रेंस गेट भी दिखने लग गया है, पहुँच चुके हैं हम एयरपोर्ट में। चलो देख लेते हैं एयरपोर्ट का नाम के, वहाँ में ऊपर नाम भी लिखा हुआ है कुछ, तो थोड़ा पीछे हो जा रहे, पीछे 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 और पीछे, यहाँ से भी नहीं दिख रहा, थोड़ा साइड हो जाता हूँ मैं। अरे दिख भी जा रहे, अरे कहाँ से दिखेगा। ओके चल थोड़ा यहाँ में पार्क करके उतर ही जाता हूँ, यहाँ से भी नहीं दिख रहा।
ये जगह थोड़ा पीछे आ जाता हूँ। ओके, तो यहाँ मैं हूँ नागपुर एयरपोर्ट में। मुझे पता ही नहीं था हम नागपुर में, इतने दिन से हम लोग खेल रहे थे गेम। अरे बाबा, नागपुर में थे हम लोग को पता ही नहीं था मुझे। और यहाँ मैं आ चुकी है नागपुर में एक लैम्बर्गिनी। नागपुर में इतना लैम्बर्गिनी कब से घूमने लग गया रे? यहाँ में तो दुबई से भी ज़्यादा लैम्बर्गिनी है। तो चलो अब जाते हैं अब एयरपोर्ट पे, अब देखते हैं एयरपोर्ट पे क्या क्या मिलता है हमें खास। तो वहाँ में आप देख सकते हो यहाँ में बड़े वाला एरोप्लेन दिख रहा है, लेकिन शायद हमें इसे हम नहीं उड़ा सकते, वैसे नहीं ये उड़ा सकते। तो यहाँ में हमारे लिए छोटा सा एरोप्लेन है। सॉरी, यहाँ में गलती से हो चुका मेरा छोटा सा एक्सीडेंट, मतलब मैं गलती से ब्रेक दबाना भूल गया था, थोड़ा एक्साइटेड हो गया था ना, तो लेकिन कोई बात नहीं, चलो एरोप्लेन तो मिला। तो यहाँ में अभी हमें मिल चुका है हमारा छोटा सा एरोप्लेन, बड़ा वाला मिलता थोड़ा मज़ा भी आता, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा है उससे काम चलाते। तो चलो अब इसे करते हैं टेक ऑफ। उसके लिए हमें करना पड़ेगा जॉयस्टिक को नीचे। तो यहाँ मैंने कर दिया है नीचे, और यहाँ में अब हमारा एरोप्लेन कर रहा है टेक ऑफ। और यहाँ में तो नीचे से, यहाँ में आपने देखा कि यहाँ में पीछे से यहाँ में चिंगारी निकला, क्योंकि यहाँ में मैंने थोड़ा गलती कर दिया था, रियल वाला था तो ब्लास्ट भी हो जाता। लेकिन अभी इसको थोड़ा मुझे कंट्रोल करने में नहीं जम रहा, थोड़ा वो भी जा रहे हैं, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। अभी आपके लिए मैं अभी नया नया अपडेट आया था, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट यहाँ में बिना मतलब प्रैक्टिस भी नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ में मैंने खेलना चालू कर दिया था। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए। और यहाँ मैं होने जा रहा हूँ मैं क्रैश, और अभी मेरा प्लेन हो चुका आउट ऑफ कंट्रोल। अरे ओ बीजा प्लीज़ बच जा। और यहाँ मैं हो चुका क्रैश। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।